वो बैठे दो पीछे बैठने वाले बच्चों, बाकी आगे बैठने वाले बच्चों, मैं अपने साथ आज खास तौर पर बस में तलबा के दोस्तों को मिलवाने के लिए फरदान को लेकर आई हूँ। फरदान जो है वो अभी घर आए हो नहीं है, 3 साल के बाद ये वही है। अच्छा, उम्मीद करते हैं कि आप उन्हें बोलने देंगी। अगर मैंने इनको बोलने दिया तो मुझे चुपना पड़ेगा। साहब, मैं आपको सलाम करूं। आपसे तो मुलाकात है मेरी। अब जब पेट भर गया तो आप आ रहे हैं, तो पहले पेट पूजा पा दो। एक सैयदा और एक इदरीस गाजी, हम आज मजान वक्त पे आ जाए। नहीं भाई, नहीं भाई, कह रहे हैं आप ये बड़ा अच्छा चेंज हुआ शायद, जो यार आप बच्चों में जाके बैठ जाए। पहले खाना खा ले, खाना है, एक मिनट आए ना, ब्रेक पहले खाना खा ले यार। क्या बोला अली ने, क्या बोला? फिर भी 2-4 जुमले कहने। फेसबुक की पार्टी हो रही है, हमारा ताल्लुक बस में तड़पा का नहीं है, ये हमारे बचपन के दोस्त है। अनीक अहमद को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब ये दीनदार थे, ठेकेदार नहीं थे। क्या बात है, अच्छा जुमला है। वो फाखरे वो स्टोर कर रहे हैं, वो जब फटेंगे ना देखिएगा। अरे अनिल जरा काम तो सुनिएगा। अच्छा हाँ, आप बोलिए। अच्छा जी, आगे आगे। और ये वो जमाती थे जिन्होंने स्टैचू यूनिवर्सिटी में मुझे बारहा उस जुल्म तासुब से बचा के रखा। अच्छा, क्योंकि ये हमारे दोस्त थे, क्योंकि हमें पहले बता देते, क्योंकि मैं PSF में था। तो आपने अनीक भाई के मेरा ताल्लुक PSF से था। अनीक भाई वो जुल्म से बचाया, इस जुल्म से खुद बचाया। और अभी इन्होंने खुर्शीद अहमद ने कहा तो हम पक्के सुर्खे थे और ये पक्के जमाती थे, लेकिन दोस्ती हमारी बहुत। मैं गवाह हूं, मैं गवाह हूं। तो आपको हमें पहले बता देते थे कि भाई देखो, अगर नाजिम आकर तुम्हें गले लगाया तो समझ लो कुट पड़ने वाली है, भाग जाना। नहीं नहीं, फरजान साहब आपको उस्मान मुअज्जम से बचाया या जरार खान से बचाया? नहीं, अबरार अहमद से बचाया। अच्छा, अगर अगर जरार खान दुश्मन हो जाते तो फिर वो आप यहाँ ना होते हैं। इसीलिए मैंने दो अपने जो अच्छे दोस्त थे वो MGM में छोड़े हुए थे। क्या बात है अनीक भाई, और दो जो थे अनीक भाई, तो पहले बता देते थे अनीक भाई, हमने PSF पुलिस को छोड़ा। अनीक भाई सारे आपस में क्या चल रहा है? अनीक बुला रहे हैं। अनीक भाई ये मुमकिन है आप जाते थे, कुर्ता पजामा पहनते थे, एक अच्छा जमात में बैच लगाते थे और रहते चौरेडिया के साथ। वो तो नहीं नहीं, वो इनका प्रोटेक्शन था, आप लोगों ने सुन लिया। तीन प्यारे बच्चे जो है वो सुन नहीं रहे, मेजबान अनीक भाई भी जब भी मार पड़नी हो या भगवान की तस्वीर लगा लो तो चमार नहीं मारेगा, तो ये हरा वाला बैग लगा लेते थे, हम भी लगा लेते थे कभी कभी, तो मरने उसके बाद जब मार लग चुकी होती थी तो वो बैग काला होकर यहाँ लग जाता था।
लेकिन ये वाकई फरजान, अच्छा उस वक्त फरजान और राहिला एक दूसरे से वाकई तक नहीं हुए जिस जमाने के हम दोस्त हैं। ये पॉलिसी में थे, मैं आई आर में था और ये सही कह रहे हैं बिल्कुल, बी एस एफ जमीयत एक दूसरे ये हम कहाँ, लेकिन जब हम साथ बैठते थे उस जमाने में यार 36 साल 38 साल पहले, एक और घर की बहनी ये भी है कि इसने भी हमारा बहुत देखा है वो वक्त था। सही है ना, कहाँ है सैयदा के और हमारे झगड़े, सैयदा ने एक किताब ली आज तक वापस नहीं की, पहले कभी की है और वो सफिया अख्तर के खतूत का मजमुआ कोई भी हो सर नहीं की वापस, वो तेरे लव वो मैंने 20 रुपए की खरीदी थी और 20 रुपए जमा करने शायद 20 रुपए का मिलता था भाई की जरूरत में, जिनको देखते हैं मेरे जख्म ताजा हो जाते। अच्छा वो सफिया अख्तर के क्या खतूत, लेकिन सैयदा ने उस किताब पर ऐसे कब्जा किया, वासी ने ये 20 रुपए ये 20 रुपए आपको समझ रही है कि वासी ₹20 कायम हुआ था। और अगर आप पैसे देना चाह रही हैं तो आप यकीन करें मैं यहूदी नफ्सियात का हामिल हूँ, ये अपने 20 रुपए तस्वीर बना ले भाई, बल्कि हो रहा है सर रिकॉर्ड हो रही है, ये रिकॉर्ड भी है कि वैसे मैं यहाँ मुझे एक वाक्य याद आ रहा है जो हमारा बाकायदा तारुफ इतना नहीं था लेकिन रेडियो हनीफ भी जाते थे, मैं भी बस में तलबा के हवाले से, तो मैं एक दिन बैठी हुई स्क्रिप्ट लिख रही थी बस में और वो आया होगा टिकट मांगने के लिए, मैंने नहीं उस वक्त तवज्जो की, थोड़ी देर बाद मैंने उसको पैसे देना चाहा, उसने कहा नहीं आपका टिकट एक साहब पीछे ले देख लिया और उन्होंने आपका चेहरा देख के अंदाजा लगा लिया था कि टिकट के पैसे नहीं, मैंने कहा ना 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 मुझे नहीं पता था कि किसने लिया और मैं कभी किसी और के नहीं, मैं यही खड़ा हूं, मैंने मना किया कि गवाह बनने के लिए आ गया, मैंने उससे कहा कि आप वापस कर दो और ले लें टिकट के पैसे मुझसे ले, और ये हो गया बस। उस पॉइंट से रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग के सामने उतरना था और एक कयामत थी, अनिल साहब आपने मेरी बेइज्जती कर दी भरी बस में, आपको पता नहीं है मैं कौन हूँ, मैं पता नहीं किसका पोता किसका नवासा, कमर भाई से मुराद कमर जमील, कमर जमील के पास, तो उन्होंने खैर बहरहाल बड़ी आसानियत से बड़े सीधे कोई मसला नहीं, टिकट इन्होंने भी पहली दफा लिया था, रेडियो का खाना असलम था वो कैंटीन, और कितना जायकेदार खाना होता था रेडियो कैंटीन, 2-3 रुपए का खाना खा लेते उज़ैर मकी साहब, इदरीस गाजी साहब और याकूब गाजी, याकूब गजनवी साहब लेट कमर थे लेकिन ये कि माशाल्लाह ये आ गए और पूरी महफिल को अच्छा मुसलसल इंसाफ हो रहा है, मुसलसल इंसाफ है, सलाम है मुसलसल, खाना नहीं खाया प्यारे बच्चों आप लोग खाना खाते रहो, मैं अभी नहीं बोलना चाहता, हमने लोगों को इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, देखिए हमारे पास ये खानदान है, ये बल्कि खानवादा है, हमारे पास क्या हुआ था कि हम में से एक आदमी बीमार हुआ जिसका नाम खुर्शीद अहमद, पूरे ग्रुप में एक हलचल मच गई, हमारा आदमी बीमार कैसे हुआ,
तो इस मोहब्बत को अल्लाह ताला आखिरी बात मैं वैसी कम बोल पहली बात नहीं अजय इसको आप पहले ही समझ ये सुबह से शाम अब वो ये बैठी हुई है सारा कितना काम सीमा और कंटेंट देख रही है हर आदमी बिजी है बहुत वक्त नहीं है मुलाकातों का इवन हमारे पास संजीदा जितने कहका हमने यहाँ लगाए और हम ओरिजिनल अंदाज में जैसे मिले ऐसे कहाँ मिले और वो जॉन साहब फिर वो जॉन साहब याद आ गए खुद ही एक दर पे मैंने दस्तक दी खुद ही लड़का से मैं निकला तो हम ओरिजिनल यहाँ के मिलते हैं सुबह से शाम तक कितने लोगों से मुलाकात होती है लेकिन हम जी आप जनाब जी बहुत अच्छा मजलिस की मुस्कुराहट है ये किताब वापस पैसे दिए जा रहे हैं ये दीजिएगा ये किताब कैसे गिरा दी एक मिनट यार दोबारा अब अमित सहील के बारे में दोबारा नहीं सुनना चाहता उस जमाने के हिसाब से 20 रुपए थे उस जमाने नहीं जितना उधार लो उतने ही होते पैसे में नहीं ऐसे कम बात है हसन इसको घुमा दो किसी के सर पे घुमा दो और हसन तौफीक कर दो उसको भाई ये आपके हुए सही आपके आज देना मैं कर रहा हूँ ये इसकी बना लीजिए खाली भाई जरा इसकी बना लीजिए ये तो हो गया ये तो पूरा इसका ये सैयदा ने वापस इधर नहीं पेश कर दिए चलिए आपको नजर है नहीं भाई हमारे भाई अगर भी तस्वीर ले सके तो ले दे क्योंकि मेरे पास वीडियो है तस्वीर ले ले भाई तस्वीर ये अली हसन साजिद अली हसन मैं ले रहा हूं लो ग्रुप पे डाल देना यार ले रहा हूं सर हां जरूर और रियली हम सब देखिए हम जो दर्रा जिस जगह है वही आफ्ताब है बस ये वो जो उज़ैर मदनी वो बैठे हैं एक मिनट ये मोबाइल देना देखिए तस्वीर बनते हैं ठहर जाओ आमिर हाँ रुके रहना एक्चुअली मैं ये कह रहा हूँ हम इजी लेते हैं वो एक बड़े कॉलेज का प्रिंसिपल बैठा हुआ है वो एक 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 अखबार एक मैगजीन याद आता है यकीन करें कभी कभी जो है ना बड़ा हम लोग एक मिनट रहा एक मिनट आ राहिल सतीया तुम भी आ रही हो इसमें आ जाओ ये फोटो के बारे में फिर बोलूंगा और क्या भाई भाई ये किताब दे ना खड़े हो जाए सारे लोग हां ये किताब जो है ये कमर जमीन साहब के ऊपर है ये एक मिनट है डॉक्टर फातिमा हसन ने भाई किताब जरा थोड़ा सा आगे पीछे कर दीजिए हाथ लगाना मुश्किल आ जाइए मैंने एक शख्स की तस्वीर उतारी है जमील और कुछ लोग छुपा रखे हैं आईने में मेरे घर में एक अंधी बिल्ली रहती है मुझसे कहती है मैं आऊँ मैं आऊँ ये कमर जमील साहब को बुला लें आ जाए आप यहाँ आ जाए ना शामिल हो जाए चले ठीक है भाई अच्छा ये किताब जो है ना ये आपके लिए और सात किधर हो ग्यारह पास एक मिनट पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी न्यूज नेटवर्क स्टार न्यूज एंड व्यूज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें जरा जल्दी